आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज दिन भर परमेश्वर ने हमें संभाला और ये शाम के समय परमेश्वर ने हमें हर एक खतरे मुसीबतों से बचाया, हर एक परेशानी से बचाया। और सच में हमारा परमेश्वर महान है, वो धन्य है, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें देता है, वो हमसे प्रेम करता है और सबसे बड़ी बात कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो सच में जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े कामों को करता है। ऐसे ही परमेश्वर ने कुछ भाई और बहनों के जीवन में ये बड़े बड़े काम किए जब यूट्यूब के द्वारा उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास किया और उससे प्रार्थना किया तो उनके जीवन में बड़े बड़े काम हुए। तो मैं आपके सामने कुछ गवाहियों को लेकर आई हूं कि जो यीशु मसीह ने उनके जीवन में किए हैं। तो भाई धर्मवीर की गवाही है जो कि यूपी के रहने वाले हैं। तो उनके कानों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था और बहुत ज़्यादा परेशान वो अपने कानों के दर्द से रहते थे। पर उन्होंने एक दिन हमारे प्रार्थना सेंटर में फोन किया और कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो। तो उसी समय उनके लिए प्रार्थना किया और उसी समय परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई दे दी। तो सच में हमारा परमेश्वर धन्य है। और वो खुद अपने मुंह से कहने लगे, इस गवाही को उन्होंने दिया और कहा कि मेरे कानों का दर्द अब बिल्कुल गायब है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी गवाही के लिए। और एक और गवाही हम आपके सामने लेकर आए हैं, बहन कुसुम की, जो कि जसपुर की रहने वाली हैं। तो वो अपने बेटे की शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान, तो उन्होंने प्रार्थना करवाई और कहा कि मेरे बेटे के रिश्ते के लिए प्रार्थना करो कि उसका जल्द से जल्द रिश्ता हो जाए। तो हमने उनके लिए प्रार्थना किया, हमारे पूरे प्रार्थना सेंटर वालों ने उनके लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने उनके जीवन में उसी दिन एक बहुत अच्छा रिश्ता उनके जीवन में दिया और अब उन भाई की शादी होने जा रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। उन्होंने खुद फोन कर हमें अपनी गवाहियों को बताया कि सच में परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनको उत्तर दिया, उनके जीवन में इस बड़ी गवाही को दिया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं बहन कुसुम के लिए, उनकी गवाहियों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और बहन मधु जो कि एमपी की रहने वाली हैं, उनका कहना है, उन्होंने फ़ोन करके हमें अपनी गवाही को शेयर किया और उन्होंने कहा कि जब वो वीडियो देख रही थी यूट्यूब में प्रार्थना के लिए, बीमारी की प्रार्थना के लिए, तो वो सुनते सुनते उनको बहुत ज़्यादा बुखार था और सुनते सुनते उनका बुखार बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमारा परमेश्वर सच में महान है कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। सच में हमारा परमेश्वर महान है कि जो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं, उसके लिए कोई बीमारी बड़ी नहीं है, उसके लिए कोई भी ऐसी समस्या बड़ी नहीं है जो वो आपके लिए सॉल्व ना कर सके। सच में हमारा परमेश्वर महान है। तो आइए हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जितने लोग हमें फ़ोन करते हैं, जितने हमें व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं और जितने फेसबुक और यूट्यूब में हमें मैसेज करते हैं। आइए हम उन सब के लिए और जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। प्रभु इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता, मैं आपकी उपस्थिति में आती हूँ परमेश्वर। प्यारे खुदावन, हम धन्यवादी हैं प्रभु कि आप प्रभु महान हैं, दयालु हैं प्रभु, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि प्रभु इन गवाहियों के लिए प्रभु कि सच में प्रभु आपने इनके जीवन में इतने बड़े बड़े कामों को किया मेरे यीशु। होने दे प्रभु जी, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, आप उनके जीवनों में भी परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, जितने लोग परमेश्वर हमें फोन करते हैं प्रभु और मैसेजेस करते हैं प्रभु, उन सब के प्रार्थना निवेदनों को मेरे प्रभु मैं आपके सम्मुख लाती हूँ परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। यदि कोई प्रभु बीमारी में है पिता, तो यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी हर एक बीमारी अब भी और इसी वक्त उनके शरीर को छोड़कर चली जाए। प्यारे पिता, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। प्रभु आपने प्रभु उनकी बीमारियों के लिए कोड़े खाए हैं। आप प्रभु यहोवा राफा हैं, चंगा करने वाले परमेश्वर हैं पिता। हर एक कैंसर की बीमारी, हर किसी भी प्रकार की बीमारी वो यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता।
जिनके प्रभु परिवार में समस्याएं हैं प्रभु, और पिता परमेश्वर शैतान उनके जीवन में लड़ाई झगड़ों को लाता है प्रभु, और उनके परिवार में कोई ना कोई शराब पीता है परमेश्वर, होने दे प्रभु उन सारे शैतान के बंधनों से पिता आप उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन जो नशे में है यीशु मसीह आप उन्हें नशे से छुटकारा दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने इन प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। जो बहन और भाई अपनी शादी के लिए चिंतित हैं परमेश्वर आपने उन्हें राइट लाइफ पार्टनर दे दिया है परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।